हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी ड्राइंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रंग बिरंगी मधुबनी पेंटिंग। आई होप आपको ये पेंटिंग बहुत पसंद आएगा। आइए फिर अब इस पेंटिंग को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राइंग शीट यूज़ किया है और अपने चॉइस के अनुसार आप यहाँ पे जो भी डायग्राम अच्छा लगे उसे यहाँ पे पेंसिल के द्वारा ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारे आ चुके हैं सारे रंगों की फौज। और इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 नंबर की राउंड ब्रश यूज कर रही हूँ। अपनी इस पेंटिंग में मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करने के लिए येलो कलर यूज कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग की एक खास बात है कि इसमें आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी कलर फिल कर सकते हो। इसमें जब ब्राइट और चटकीले कलर्स यूज होते हैं तो हमारी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस तरह से हमारी पेंटिंग अलग अलग रंगों से बनकर तैयार हो चुकी है। और अब बारी है इसमें आउटलाइनिंग करने की, तो यहाँ पे मैंने 0 साइज का राउंड ब्रश यूज कर रही हूँ। जो भी इसकी लाइनिंग है उसके ऊपर ऊपर इसे चला लेना है। अब बारी है इसके बॉर्डर को और भी खूबसूरत बनाने का। मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप अपने मनपसंद पैटर्न यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमारी पेंटिंग बन चुकी है। और इसे और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे मैं व्हाइट कलर से थोड़ा और इसे डेकोरेट कर रही हूँ। Thank you.
इस तरह से हमारी पेंटिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ और पेंटिंग्स ड्रॉ किया है, तो ये देखिए यहाँ पे एलिफेंट की पेंटिंग है, ये भी मधुबनी पेंटिंग है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे फिश ड्रॉ किया है। और आपको ये तीनों पेंटिंग में सबसे खूबसूरत कौन लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।